हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थर्ड वीडियो लेक्चर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, कैरेक्टर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल और फंक्शन डाइवर्स होगा। सॉरी, ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होंगे और उनका डाइवर्स केमिकल पोजीशन कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन। वो कौन कौन हो सकते हैं, कुड बी इंडोल कंपाउंड, कंपाउंड इंडोल कंपाउंड में हो जाएंगे, इंडोल 3-ACTK, थ्री एसिटिक एसिड, एडिनाइन हो सकते हैं, एडिनाइन डेरिवेटिव, N6, ट्राई एमिनो, यूरिन और नियासिन, कैटिन और कुछ तीसरा टर्पिन्स। ट्रांसटर्पिन्स में होगा जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और चौथा गैसेज होंगे। गैसेज में इथाइलीन, ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरह के होंगे जो किस किस चीज पे बेस्ड होंगे, ग्रोथ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल इंटरलार्जमेंट, लार्जमेंट, पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के पैटर्न, फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन के आधार पर के आधार पर दो तरह के केमिकल होंगे। कौन कौन? दो तरह के। पहला एक ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन आ जाएंगे? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एंड साइटोकिन काइनेज।
और इनहिबिटर में आ जाएंगे अब्सिसिक एसिड, अब्सिसिक एसिड। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का डिस्कवरी कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिस्कवरी एस्टेंटन था। एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन बाई चार्ल्स ट्रॉबिन, बाई चार्ल्स ट्रॉबिन डार्विन और सन फ्रांसिस डार्विन, डार्विन। इन्होंने देखा था कि कैनरी ग्रास का क्यूलिप्टाइल लाइट सोर्स की तरफ मूव करता है और इसके मूवमेंट के लिए इसका टिप रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या देखा था? क्यूलिप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास ग्रास मूव टुवर्ड्स लाइट सोर्स। लाइट सोर्स टिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, टिप और मूवमेंट। उसके बाद F.W. वेंट ने बताया था कि कोलेप्टाइल ग्रास के टिप पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या लाइट टुवर्ड्स लाइट मूवमेंट के लिए। और ये किसने बताया था? बाय F.W. वेंट। बीकानेर फूलिश सेंट, फूलिश सीडलिंग, पुलिस सिडलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फंगी, फंगल पैथोजन जिबरेला। पैथोजन जिबरेला फ्यूजन कोई फ्यूजन फंगल पैथोजन जिबरेला फ्यूजन कोई फुली सेटलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ई कोरवा का सिम्टम्स क्या है? ई कोरवा का सिम्टम है एक्टिव बाय जिबरेलिक एसिड, सिम्टम्स जिबरेलिक एसिड पर डिपेंड करेंगे, जिबरेलिक एसिड की एक्टिविटी पर। क्रिस्टलाइज्ड साइटोकिनिंस, एक एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस किनेटिन को प्रमोट करता है।
कैटीन। नाइनटीन सिक्सटी में केमिकल सब्सटेंस को प्यूरिफाई करके, प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, तीन टाइप के इनहिबिटर का पता लगाया गया था। जिसमें पहला इनहिबिटर भी फिर से एब्सिशन टू टू और लास्ट डोरमीन। साथ ही साथ वोलेटाइल सब्सटेंस सब्सटेंस इथाइलीन और गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी डिस्कवर किया गया। एंड गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें पांच केमिकल सब्सटेंस है और पहला नंबर में ऑक्सीजन है। अप्लाइड टू प्लांट प्लांट अप्लाइड टू इंडोल थ्री एसिटिक एसिड, टू इंडोल थ्री एसिटिक एसिड एंड अदर नेचुरल सिंथेटिक पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इंडोल इंडोल थ्री एसिटिक एसिड और दूसरे नेचुरल सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ के लिए रेगुलेटर के लिए यूज किया जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ रेगुलेशन। और कहाँ कहाँ ग्रोथ प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस ग्रोथ ग्रोथ इन रूट रूट टिप में और स्टीम में। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडेल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। प्लांट बॉडी को फॉर्म करेंगे, फॉर्म प्लांट प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। नेप्थलीन एसिडिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का यूज एग्रीकल्चरल पर्पस में किया जाता है। प्रैक्टिस स्टीम को कट करने पर रूट एराइज करता है ऑक्सीजन की मदद से।
रूट इन स्टीम कटिंग। फ्लावरिंग प्रमोट करता है, प्रमोट फ्लावरिंग। और इससे एग्जांपल है पाइनएप्पल। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। फ्रूट और लीफ को गिरने से रोकता है, प्रमोट एब्सिशन इन ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट। ओल्डर मैच्योर लूप लीफ और फ्रूट में एब्सिशन, मतलब उसको फॉल करने में हेल्प करेगा, एब्सिशन प्रोवाइड करता है। एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। अगर लेंथ में इंक्रीज करता रहता है तो ग्रोथ के इंक्रीजमेंट को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। लेटरल एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटर। और इस क्राइटेरिया को हम लोग एपिकल डोमिनेंस से जानेंगे, डोमिनेंस। और जब रिमूव सूट टिप्स इंक्रीज द ऑफ लेटरल बड, इसलिए हम सूट टिप को रिमूव कर देते हैं, सूट टिप्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, लेटरल बड, तो लेटरल बड का ग्रोथ हो जाता है। तो इसको हम क्या, इसका यूज टी प्लांटेशन में किया जाता है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। मतलब फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन। और इसके एग्जांपल है टमेटोज। हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड हर्बिसाइड्स। टू फोर डाइक्लोरो एसिडिक एसिड किल डाइकोटिलीडंस वीड। डाइकोटिलीडंस स्वीट को किल करता है बट नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलीडंस प्लांट, नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलीडंस प्लांट, मोनोकोटिलीडंस। पर मैच्योर मोनोकोटिलीडंस प्लांट पे प्लांट को कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाता है।
कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करेगा और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन इन सेल डिवीजन। जिब्रालिन्स। दूसरा पीजीआर कौन है? जिब्रालिन्स। जिब्रालिन्स भी प्रोमोटरी मतलब ग्रोथ को प्रमोट करेगा। प्रोमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। 100 टाइप्स होंगे। 100 टाइम्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फंगी और हायर प्लांट से लिया गया। हायर प्लांट जो 3 टाइप्स के होते हैं, GA1, GA2 एंड GA3, और जिसमें GA3 का फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, उसके बाद बाकी सारा। ऑल GAs एसिडिक है। एसिडिक प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा कंटेन करेगा। इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस। एक्सिस की लेंथ में हेल्प करेगा। एक्सिस और इसका यूज ग्रेप्स के एक्सिस को इंक्रीज करने के लिए, मतलब ग्रेप्स के साइज को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ग्रेप्स के स्टाल को और जिब्रालिन्स के मदद से एप्पल अपने सेब को इम्प्रूव करता है। सेब डिले सीनेसेंस मतलब मैच्योरिटी को धीमा करता है। GA3 क्या है? GA3 स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री में मेल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है GA3। GA3 का क्या फंक्शन है? स्पीड अप मेल्टिंग ब्रीविंग इंडस्ट्री में मेल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। शुगर केन स्टोर शुगर केन स्टोर करता है। शुगर स्टोर शुगर स्टोर
स्टोर्स वगैरह किस फॉर्म में स्टोर करता है? द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करता है क्या? शुगर। जिब्रा लाइन का क्या फंक्शन है? लेंथ के इन स्टीम की लेंथ को इंक्रीज करता है। इंक्रीज ऑफ स्टीम जिससे उसका प्रोडक्टिविटी शुगर केन का इंक्रीजेस 20 टन्स पर एकर। प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग प्रमोट करेगा। बोल्टिंग बोल्टिंग का मतलब क्या है? इंटर इंटर नोड के इलोंगेशन में हेल्प करेगा। मतलब इंटर नोड नोड इलोंगेशन। और कहाँ पे? बीट और कैबेज में। साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस थर्ड में है। साइटोकाइनेंस क्या है? डिस्कवर्ड अस नियोसिन। नियासिन क्या है? ए मॉडिफाइड एडिनिन और प्यूरिन है। एडिनिन एंड प्यूरिन। नियासिन नॉट अकर नेचुरली। नेचुरली नहीं है होगा। जियासिन क्या है? जियासिन नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनेंस है। पिट सेल डिवीजन अकर। रैपिडली सेल डिवाइड करेगा। रैपिड सेल डिवीजन अकर। रैपिडली सेल डिवाइड करेगा। एग्जांपल क्या है इसका? रूट अपिक्स। डेवलपिंग स्वीट सूट बर्ड्स एंड फ्रूट। यंग फ्रूट के सूट बर्ड को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। चौथा है इथाइलीन। इथाइलीन क्या है? सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। सिंपल गैसियस पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सिंथेसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू। ऑफ
टिश्यू लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू के सिंथेसिस में हेल्प करेगा इस और किस प्रोसेस हो और किस चीज में हेल्प करेगा सिनेसेंस फ्रूट राइपनिंग एंड फ्रूट राइपनिंग फ्रूट को पकने में मदद करेगा सॉरी फ्रूट राइपनिंग इन्हांस रिस्पिरेशन रेट रिस्पिरेशन रेट को इन्हांस करेगा रिस्पिरेशन रेट रेट इसलिए इसे रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहेंगे क्लाइमेटिक ब्रेक सीड एंड बर्ड्स डोरमेंसी सीड्स और बर्ड्स डोरमेंसी को ब्रेक करेगा सीड एंड बट डोरमेंसी ब्रेक और क्या करेगा इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड सेफ जनरेशन में पीनट सीड पीनट सीड के जनरेशन में हेल्प करेगा और तीसरा स्पॉल्टिंग ऑफ पोटैटो टिप्स स्पॉल्टिंग ऑफ पोटैटो टिप्स टिप्स पोटैटो टिप्स के स्प्रोटिंग में हेल्प करेगा परमोट्स रैपिड इंटरनोड पेट्रियोल इलोंगेशन इलोंगेशन इंटरनोड के इलोंगेशन में हेल्प करेगा को प्रमोट करेगा प्रमोट्स रूट ग्रोथ रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस सरफेस एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करेगा इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा इन मैंगो और लास्ट है प्रमोट्स फीमेल फ्लावर प्रमोट्स फीमेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेगा और उसकी यील्डिंग को इंक्रीज करेगा इंक्रीज यील्ड लास्ट है अब्सिसिक एसिड पांचवें नंबर पे अब्सिसिक एसिड एसिड अब्सिशन और डोरमेंसी को रेगुलेट करेगा
रेगुलेशन इन एब्सिशन एंड डॉर्मेसी, एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। वाइड रेंज इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाइड रेंज इफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट बहुत शो करेगा। ग्रोथ इनहिबिटर भी आएंगे जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, इनहिबिटर। इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट मेटाबॉलिज्म। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। स्टोमेटा एक क्लोजिंग को इनहिबिट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्लोजर ऑफ, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। रोल इन सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड डोरमेंसी, किस किस चीज में रोल प्रोवाइड करेगा? रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड डोरमेंसी। कौन कौन सा इवेंट शो करेगा? कौन? अब्सिसिक एसिड, पहला सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी पार्ट्स, अब सीजन सीनेसेंस और लास्ट एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेंस। रोल इन ओनली वन काइंड्स ऑफ, रोल इन ओनली वन काइंड इंट्रेंसिक कंट्रोल, इंट्रेंसिक कंट्रोल एक ही तरह के इंट्रेंसिक कंट्रोल में रोल प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट है, सॉरी, और इंट्रेंसिक फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे? एक्सट्रेंसिक फैक्टर में जो लाइट और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो, एंड टेम्परेचर। और इसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे एक्सट्रेंस में? वर्नालाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन।
और लास्ट है प्लांट मूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फोटो पीरियोडिज्म को पढ़ेंगे। तो हमारे आगे वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके, और इसे अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।